ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे YouTube चैनल पर देखा होगा, जो ट्रेंडिंग फादर्स डे स्टेटस कैसे बनाया जाता है, आज मैं उसी का ट्यूटोरियल आप लोग के बीच लाया हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपने पिता के लिए एक स्टेटस आप लोग ज़रूर बना दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा अलाइट मोशन ऐप्स करके, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल से। अलाइट मोशन ओपन करिएगा, ओपन करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा बीट मार्क इफेक्ट करके, उसको आप अलाइट मोशन ऐप्स में इंपोर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद बीट मार्क वाला ऑप्शन ओपन करिएगा, ओपन करने के बाद जितने भी मटेरियल यहाँ पर यूज कर रहा हूँ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करिएगा, मीडिया पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक वीडियो टेम्पलेट मिलेगा, उसको आप लगा लीजिएगा इस तरीके से, 12 सेकंड का है। उसके बाद इसको आगे बढ़ा लीजिएगा, यहाँ से आपको इमेज लगाना है, प्लस आइकन पर क्लिक करिएगा, मीडिया पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये इमेज लगा लीजिएगा, फिर पॉइंट पर क्लिक करिएगा, फिल कंपोजिशन एरिया कर दीजिए इस तरीके से। उसके बाद इमेज पर क्लिक करिएगा, इसको आप आगे बढ़ा लीजिए यहाँ तक लाइनिंग तक। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, फिर से प्लस करिएगा, मीडिया पर क्लिक कर दीजिए, आप लोग ये फोटो लगा लीजिए, थ्री पॉइंट पे क्लिक करिएगा, फिर कंपोजिशन एरिया कर दीजिए। उसके बाद इमेज पे क्लिक करिएगा, इसको आप आगे बढ़ा लीजिए इस तरीके से, ऐसे आप आगे बढ़ा लीजिएगा, फिर से प्लस करिएगा, मीडिया पे क्लिक कर दीजिए, आप ये क्लिक करिएगा, थ्री पॉइंट पे क्लिक, फिर कंपोजिशन एरिया कर दीजिए। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको एडजस्ट कैसे किया जाएगा, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इसको आप इस तरीके से स्क्रॉल कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा डाउन कर लीजिए। उसके बाद इमेज पे क्लिक करिएगा, इसको इस इमेज को आप आगे बढ़ा लीजिए लास्ट तक, यहाँ से फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर से वही प्रोसेस करेंगे, प्लस आइकन पे क्लिक, मीडिया पे क्लिक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी आगे का प्रोसेस समझ में आएगा। इस तरीके से आपको क्लिक करना है, फिर कंपोजिशन एरिया कर दीजिए, फिर से इमेज पे क्लिक करिए, इसको आप आगे बढ़ा लीजिए इस तरीके से, फिर से प्लस करिएगा, मीडिया पे क्लिक कर दीजिए, आप ये फोटो लगा लीजिए, फिर पॉइंट पर क्लिक, फिर कंपोजिशन एरिया कर दीजिए। उसके बाद इसको आप आगे बढ़ा लीजिए इस तरीके से, फिर से प्लस करिएगा, मीडिया पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए, जो फ़ोटो ना लगा हो वो फ़ोटो लगा लीजिए, आप लोग ये फ़ोटो लगा लीजिए, फिर पॉइंट पर क्लिक करें, फिर कंपोजिशन एरिया कर दीजिए। जितने भी फ़ोटो यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर केवल आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ, आप लोग अपने पापा का मतलब फादर का फ़ोटो लगाना और इस तरीके से आप स्क्रॉल कर लीजिएगा। उसके बाद इसको आप लास्ट तक कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक 13 सेकंड का टेम्पलेट लगेगा, फिर से मीडिया पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इसको यहाँ पर इसको आगे बढ़ा लीजिए, 13 सेकंड का टेम्पलेट इसको ओपन करिएगा, ओपन करने के बाद टेम्पलेट पर क्लिक करिएगा, थ्री पॉइंट पर क्लिक करिए, फिल कंपोजिशन एरिया कर दीजिए। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए, लास्ट तक चले जाइए, आगे वाला पार्ट यहाँ से आप लोग कट कर लीजिएगा इस तरह का, टेम्पलेट पर क्लिक करिए, फोर्थ नंबर ऑप्शन पर कट कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए, टेम्पलेट पे क्लिक करिएगा, ब्लेंडिंग ऑपोसिटी लिखा है इस पर क्लिक कर दीजिएगा, स्क्रीन लिखा है इस पर क्लिक कर दीजिएगा, लाइटन लिखा है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इसको स्क्रीन कर लीजिए, उसके बाद ये स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद इसको आप आगे बढ़ा लीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर एक शैडो सेट करना है, प्लस आइकन पर क्लिक करें, मीडिया पर क्लिक कर दीजिए। शैडो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब ब्लैक शैडो है उसको ओपन करिएगा। उसके बाद इसको नीचे कर लीजिएगा इस तरीके से, ब्लैक शैडो। उसके बाद ध्यान दीजिए, आपको फादर्स डे साइड पीएनजी लगाना है, उसको आप लगा लीजिएगा, मीडिया पे क्लिक कर दीजिए, फादर्स डे पीएनजी ये है। उसके बाद इसको नीचे कर लीजिए इस तरीके से। अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, मूव एंड ट्रांसफर पर क्लिक कर दीजिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए इस तरीके से। उसके बाद सेट कर लीजिए पहले नंबर ऑप्शन पर क्लिक करके इस तरीके से। उसके बाद ध्यान दीजिए, शैडो थोड़ा सा कम सही लगा है, इसको आप एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, लाइनिंग टू लाइनिंग।
उसके बाद PNG पे क्लिक करिएगा, इसको आप आगे बढ़ा लीजिए इस तरीके से। उसके बाद फर्स्ट नंबर ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, आगे बढ़ जाएगा। वही प्रोसेस नीचे वाले लाइनिंग पे करना है, शैडो इमेज पे क्लिक करना है, लास्ट तक कर लीजिए। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए, वीडियो तो आपका कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी सेक इफेक्ट नहीं लगा है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा सेक इफेक्ट करके, उसको आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख लीजिएगा। उसके बाद बैक कर लीजिए इस तरीके से। सेक इफेक्ट वाला ऑप्शन ओपन करिएगा, ओपन करने के बाद इमेज पर क्लिक करिएगा, इफेक्ट पर क्लिक कर दीजिए, फिर पॉइंट पर क्लिक करिए, कॉपी इफेक्ट कर लीजिए। आप लोग बैक चले आइए, बीट मार्क्स वाला ऑप्शन ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद आपको इमेज पर चले आना है इस तरीके से। आप नीचे चले जाइए, इमेज पर क्लिक करिएगा, इफेक्ट पर क्लिक करिए, फिर पॉइंट पर क्लिक करिए, पेस्ट कर दीजिए। फिर से आप आगे बढ़ा लीजिएगा, इमेज पर क्लिक करिए, इफेक्ट पर क्लिक करिए, थ्री पॉइंट पर क्लिक करिए, पेस्ट कर दीजिए। इसी तरीके से आपको सारे इमेज पर लगाना है। और वीडियो में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। जितनी भी फ़ोटो यहाँ पर यूज कर रहा हूँ क्या आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने पापा का ही फ़ोटो लगाइएगा। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए कि ये वीडियो पूरा कंप्लीट हो चुका है, और इसको एक्सपोर्ट कैसे किया जाएगा। सेटिंग के बगल वाले एरो पर क्लिक करिएगा, वीडियो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको एडिशनल सेटिंग करना है तो इस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पर रेजोल्यूशन 1080 लिखा है, इसको 720 कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर 30 MB तक आपको रखना है इस तरीके से। इसके बाद एक्सपोर्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।